तो ये है स्कोडा की गाड़ी, गाड़ी ऑक्टाविया है, लेकिन जो मेन फीचर है इसका साउंड सिस्टम, और जो दाम है अराउंड 24 लाख रुपीज़, यानी कि हम दो तीन दो गाड़ियाँ, एक लग्जरी गाड़ी हम दो गाड़ियाँ ले सकते हैं 12-12 लाख रुपए वाली, लेकिन 24 लाख का म्यूज़िक सिस्टम। तो चलो एक बार अंदर जाके देखते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या लगा हुआ है 24 लाख रुपए में कि भाई साहब एक बार लगवाते टाइम भी सर हिल जाए। एटलीस्ट हम गाड़ी के अंदर बैठ गए हैं, तो साथ में हमारे INDIE ऑडियो के लोकेश भाई, और साथ में है मुंबई के वन ऑफ बेस्ट SQ लेवल सेटअप के मिस्टर रमनीक जी। तो सर मेरे सब्सक्राइबर्स को हाई करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। तो हम बात कर रहे थे स्कोडा ऑक्टेविया, इसके अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है अराउंड 14 लाख रुपीस का है, और जो इंस्टॉलेशन वगैरह सारी चीज़ मिला के बात कर रहे थे अराउंड 21-22, राइट? आई एम राइट? एब्सोल्युटली राइट। कि इतने का सिस्टम, वरना जो आम लोग हैं, जो हम जैसे जो हैं गरीब छोटे लोग, वो सोचते हैं यार 22 लाख रुपए या 20 लाख रुपए गाड़ी में लगाने की बजाय मैं एक गाड़ी और ले लूँगा या 10-15 हज़ार रुपये का सिस्टम लगा दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हर चीज़ की एक वैल्यू होती है कि भाई 10-20 लाख रुपए का सिस्टम जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसका एक एडवांटेज होगा, कुछ ना कुछ तो एक चीज़ होगी कि ये इतना कॉस्ट गया है। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या है, इतने पैसों में क्या चीज़ मिल रही है हमें, क्या है वो? तो ये जो सेटअप हमने ऑक्टेविया में लगाया है, दिस इज फ्रॉम ऑडियोटेक फिशर ब्रैक्स। ओके सर। सो वी आर यूजिंग ब्रैक्स मैट्रिक्स 1, मैट्रिक्स 2, ओके, एंड मैट्रिक्स 6P विद द फेस प्लग। हाँ जी। पीछे हमने इसमें यूज किया है मोरेल के टॉप एंड कोएक्सल फ्रॉम वर्चस। ओके। साथ में वी आर यूजिंग 2 4 चैनल। तो बीच में फोन आ गया, तो सर हाँ सॉरी टू से काइंड डिस्टर्ब हो गए हम। सो वी आर यूजिंग दिस द सेटअप फ्रॉम ऑडियोटेक फिशर ब्रैक्स। ओके। ब्रैक्स ML1, ऐसे ही, और पीछे रियर में पीछे हम यूज कर रहे हैं कोएक्सल, कोएक्सल्स कर रहे हैं पीछे, और हमारा जो बूट्स पे पीछे जो डिगी है उसके अंदर 2 वूफर हम यूज कर रहे हैं ब्रैक्स के ML10। ML10 के, तो 10 इंच के है वो? यस सर, 10 इंच के है, 4 ओम्स के है, सिंगल वॉइस कॉइल है दोनों। ओके। और जो एम्पलीफायर हम यूज कर रहे हैं वो H400 फ्रॉम हेलिक्स, दो यूज कर रहे हैं 8 चैनल। ओके। वूफर चलाने के लिए हम यूज कर रहे हैं हेलिक्स C1, ओके, व्हिच इज डूइंग 650-700 आरएमएस। हां जी, हां जी। और ये पूरा सेटअप कंट्रोल हो रहा है हेलिक्स DSP प्रो 10 चैनल। पूरा सेटअप 10 चैनल एक्टिव ही है। ओके। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि जो हम जो छोटे सेटअप आते हैं हमारे, जब बाइनर के, जो बेसिकली जो हम नॉर्मल जो बंदे यंगस्टर लगाते हैं, उससे और इसमें कंपैरिजन करा जाए तो कितना हो जाता है कि भाई ऐसा उनमें क्या है और इनमें है? सर फर्स्ट थिंग इज रिफाइनमेंट। ओके। द मोर मनी यू पुट द मोर सेटिस्फेक्शन। ओके। एंड प्लस एक सिग्नेचर टोन होती है। हाँ जी। Very rich, बिल्कुल। These kind of driver, they play very accurate in a car environment. हाँ जी। Shifting is very controlled. Yes, वो मैंने सुना। वो देखा। और साथ में आपका imaging बहुत ज़्यादा strong होती है। Okay. सबके लिए। So it's like it's a win-win game. बिल्कुल। Client will always smile for this kind of setup. He always wants this kind of setup basically. ओके। नहीं वैसे इतने हैवी सेटअप में जाते हैं अर्थिंग की प्रॉब्लम जरूर आती है, तो वो कैसे हम? नहीं सर, वो सब कुछ नहीं होता। अच्छा। हमारे इंस्टॉलेशन में स्पेशली एट साउंड फैक्टर ये सब इश्यूज नहीं आएंगे। ओके। आपके जो टेक्निकल इंस्टॉलेशन इश्यूज वो मैं देख ही रहा हूँ डेमो, Never face. वो देख ही रहा हूँ कि अब तक तो कुछ ऐसा सूप जरा सी भी नहीं आती, वरना इतने हैवी सेटअप में जाके कुछ ना कुछ तो रहता है कि हाँ एक बार हल्की सी रेस मारी सूं कुछ ना रहता है। बिल्कुल भी नहीं आएगी। चलो ठीक है, तो दोस्तों 20 लाख रुपए का सेटअप है, बारी है डेमो की, तो इसका हम डेमो सुनते हैं। लाउड नहीं है, आपको एक सुरीला साउंड होता है ना दोस्तों, जैसे आप किसी एक सिंगर को सुन रहे हो और मज़ा आ जाता है, हाँ ये है सुरीला और ये एक बड़ा आलाप भी गा रहा है तो शुरू में जा रहा है, तो वही चीज़ इसके साथ है। यस, लाइव कॉन्सर्ट टाइप आप सुन रहे हो तो वही चीज़ है। तो डेमो लेते हैं, एक बढ़िया सा नॉन कॉपीराइट सॉन्ग चलाते हैं। सॉन्ग चलाया दोस्तों, मेरे पे कोर कोई सॉन्ग नहीं है, अगर आपको लगता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हेडफोन्स पहन लेना दोस्तों। परफेक्ट। We'll be right back.
तो ये कुछ लगा हुआ है गाड़ी के अंदर, आप देख सकते हो इसके अंदर वही 10 इंच के सबवूफर लगे हुए हैं हमारे दोनों साइड की तरफ है, जो 150-150 वोल्ट अराउंड है, इससे ज़्यादा नहीं है। बाकी एम्पलीफायर है, डीएसपी लगा हुआ है, जो जैसे जैसे पाजी ने बात करी थी रमरिक पाजी ने, तो गजब का एसक्यू लेवल सिस्टम है। मुंबई की गाड़ी, मतलब पंजाब की गाड़ी है लेकिन मुंबई में तैयार हुई है, तो अराउंड 20 लाख रुपीज़ इसका सारा ऑल अराउंड सारा सब कुछ आ गया है। सो दोस्तों वीडियो का फिर अब यहीं पे एंड करते हैं, तो आपको सारा बता दिया है मैंने इसके अंदर मोटा मोटा क्या क्या चीज़ें होती है, और रमणिक पाजी से भी बात कर ली है, अच्छे से उन्होंने समझाया है कि गाड़ी में क्या लगा है, क्या यूज़ किया है और क्या चीज़ होती है सारी चीज़ें। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली नॉर्थ साइड में थोड़ा हम एसपीएल लेवल पे जाते हैं, जहाँ पे बेस वगैरह सारी चीज़ प्रेफर करते हैं हम कि हाँ धूम धड़ाका रहे, लेकिन मुंबई का टेस्ट जो है शांत, साउंड क्वालिटी चाहिए उनको, बेस वेस का कुछ ऐसा कुछ नहीं चाहिए, जैसे रमणिक पाजी से बात हुई थी ऐसा कुछ भी ऐसा उनको नहीं, मुंबई का टेस्ट ऐसा नहीं है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं और लेके आता रहूँगा, कोशिश करूँगा कि आपको और चीज़ों का गेन हो, सारी चीज़ें हो मेरे चैनल के थ्रू। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, सेफ ड्राइव एंड डोंट ड्रिंक ड्राइव, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।